हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं मेरी पिटूनियाज हैं और ये खूब सुंदर सुंदर खिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं, काफ़ी खिल रहे हैं ये फूल। तो इनको आप सीड से तो ग्रो कर ही सकते हैं या रेडीमेड प्लांट लेके आके लगा भी सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, बट आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे मदर प्लांट है सारी और ये मैंने दो प्लांट कटिंग से लगाए, एक ये और एक ये। इसमें फ्लावर्स बर्ड्स भी आ गई, फ्लावर भी खिलने लगे हैं और एक ये कटिंग से लगी हुई है। तो ये दो प्लांट मैंने कटिंग से लगाए हैं, तो आप इसे इजीली कटिंग से भी लगा सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से लग जाती है। बस इसकी एक ब्रांच लेनी है और उसे इस तरह से, मैं आपको बताती हूँ कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। ये इस तरह से एक ब्रांच लेनी है, ये इस तरह से। ये मैं बस आपको इतना बताने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ कि इसे आप कटिंग से कैसे लगा सकते हैं पिटूनिया को। और बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इसकी इनकी नीचे की पत्तियाँ जितनी हैं उन सबको तोड़ दीजिए और इस तरह से बस इतनी ब्रांच को बिना रूटिंग हार्मोन्स के किसी भी उसके आप इसे इस तरह से होल कीजिए और ये इसमें करीब 1.5 इंच के करीब इसमें इस तरह से लगा दीजिए और बिना किसी रूटिंग हार्मोन्स के, बिना किसी उसके ये चल जाएगा। और बस इतना ध्यान रखिए इसमें मिट्टी को सूखना ना दे, इसमें मॉइस्चर बना के रखें। तो ये मेरा अलग कलर निकल के आया है, ये कटिंग देख रहे हैं, ये पर्पल स्टार वाली है ये, तो ये कटिंग से लगी हुई है, एक ये कटिंग से लगी हुई है। तो इजीली आप कटिंग से लगा सकते हैं, दोनों ही चल गई हैं। और अगर आपके प्लांट कहीं मिल जाए आपको रास्ते में या अपने फ्रेंड के यहाँ, तो आप कटिंग से भी लगा सकते हो। वैसे तो इजीली मिल जाते हैं इसके प्लांट 20-20 रुपीज़ में, ऐसा कोई टफ काम नहीं है। पर अगर आपके पास कोई ऐसा कलर जो आपके पास ना हो और आपके फ्रेंड के पास, फ्रेंड सर्कल में हो, तो आप ये कलर इस तरह से आप लगा सकते हो कटिंग से और बहुत इजीली कटिंग से चल जाती है पिटूनिया। बस आप इसे तेज़ धूप से और उसे बचा के रखें, मॉइस्चर बना के रखें अपने प्लांट में, तो इजीली ये चल जाते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं ये फूल और काफ़ी बड़े बड़े फूल आते हैं। तो ये स्टार वाले हैं कुछ मेरे और कुछ ये मेरे यहाँ पे हैं प्लेन वाले। मुझे प्लेन बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के। ये इसमें कि ये मैं एक पर्पल भी लेके आऊँगी, लाइट पर्पल जो होता है ना इसमें का, वो भी बहुत सुंदर लगता है, वो भी मैं लेके आऊँगा अगर मिल जाएगा तो। तो आप इन्हें कटिंग से इजीली लगा सकते हैं, तो चाहे तो आप इसे सीड से भी लगा सकते हैं और बढ़िया लगते हैं। और पानी लिमिटेड दीजिएगा, ज़्यादा पानी अभी तो डालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वैसे ही बहुत मॉइस्चर हो रहा है, नमी हो रही है, कोहरा पड़ रहा है। तो ये सर्दियों के बहुत सुंदर प्लांट है, मुझे पिटूनिया बहुत स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, दूर से दिखता है कि हाँ इतने ढेर सारे कलर हैं इसमें, है ना। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।